नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करुछि मु निवेदिता दशबंधु आगरु कम थिला रोग संख्या आ कम थिला रोगी संख्या हेले बे रोग बढ़ुछि आ एहारि पथरे रोगी संख्या भी बढ़ुछि खाली सेति कि नहि एही लिस्ट रे नुआ नुआ रोग रो नाम मध्ये जोड़ी हेउछि तेणु जेकोनोसी रोग संबंध रे जाणि पुछि सेति प्रति सचेतन हेबा मध्ये निहाती जरूरी आ आपनको जेकोनोसी रोग संबंध रे सचेतन कराइबा पई आमर ही स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन दर्शबंधु सब नारी विवाह कर सारे माँ हेबा तांको जीवन रो एक अमूल्य भावना होइथाय कहा जाए माँ हेबा सब नारी सौभाग्य अटे नारी माने निज जीवन रे अनेक प्रकार भूमिका ग्रहण करथांते सब भूमिका मध्ये माँ हेबा मध्ये रहिथाय किंतु किछि महिला माने एथिरु वंचित होइथांते एवं सबबेले दुखित मध्ये रहिथांते तेणु मेडिकल साइंस अनुसार आम मानक नीतिदिनिया जीवनशैली किसी भूल जो ही एमती होता है तेज आज आम जाना बंध्या दोष कौन यार निराकरण कौन एवं यार चिकित्सा पद्धति सब कौन ए सब को नहीं डाक्तर सह आम आलोचना कि समय पर आम सहित डाक्तर जोड़े आज आम जहाँ टॉपिक रखी बंध्या दोषर कारण कौन एवं निराकरण कौन निहाती भाव में जितेबले नारीटे बहुत कैं परवर्त समय से माँ हेपाई चाहे था कितु एमती किसी देखा मिले जे बंध्या दोष प्रकृत में केवल महिला क्षेत्र में देखा मिले ना पुरुषों मध्य देखा मिले एमती अनेक प्रश्न रही आपण मन में जो सेमती किसी प्रश्न रही तेज आप सीधासख आमको कल करें स्क्रीन में जो नंबर टी फ्लाश हो नंबर में आपको सीधासख कल करेंगे आम सहित आज अच्छा विशिष्ट गायनोकोलोजिस्ट डाक्टर मोनिका गुप्ता अच्छा मैडम सहित आप सीधासख कथाई पार कि समय पर आम सहित मोनिका मैडम निहां जोड़े और आपंकर जदि बंध्या दोष को नहीं कौन सन्देह रही जदि आपण माँ हो पार्टी कौन आपणकर समस्या रही आप चिंतित अच्छा तेज आपको कल करेंगे स्क्रीन में फ्लाश होता नंबर में आपको कल करेंगे तेज आज आलोचना आम सहित अच्छा आमनी हस्पिटाल विशिष्ट गायनोकोलोजिस्ट डाक्टर मोनिका गुप्ता मोनिका मैडम प्रथम तो आपको अर्गस प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करी मैडम केमती अच्छा मु भल अच्छे थैंक यू सो मच फॉर दि स्वागत ओके मैडम जमी आज टॉपिक रखिंट बंध्या दोषर कारण एवं निराकरण तो मैडम प्रथम प्रश्न रही बंध्या दोषर मुख्य कारण गुड़िक सब कौन रही एबे प्रेगनेंसी न होबार बहुत सारा कारण अच्छे ता भितरे बोथ मेल आउ फीमेल दिजन को भितरे प्रॉब्लम हो पारे आउ एई भावनाटा अच्छी कि खाली फीमेल जे स्त्री लोक अच्छा ही प्रेगनेंसी हो पारुनी किंतु सेटा भूल धारणाटा मेल रे भी 40% जदि फीमेल रिस्पॉन्सिबल अच्छी तो 40% केसेस रे मेल रे भी प्रॉब्लम हो पारे आउ मेल और फीमेल मिसिकी भी प्रॉब्लम हो पारे दी जन जाको भितरे भी प्रॉब्लम हो पारे आउ 10% जोटा हैला सही केसेस रे जाना पड़ेनी कि किछि प्रॉब्लम अच्छी सब टेस्ट करले भी सब किछि नॉर्मल बाहर सेटा को हमें कहू अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अच्छा ओके मैडम आया मते जानबा को चाहिबु जे प्रकृत रे बंध्या दोष के फीमेल रे बहुत सारा अगे मैडम कोंतु हां तो फीमेल रे बहुत सारा कारण थाए कि कहीं से प्रेग्नेंट हो पार नाकर यूट्रस किसी प्रॉब्लम हो पारे यूट्रस शेप रे किसी प्रॉब्लम हो पारे कि जो ट्यूब्स अच्छी से ट्यूब्सटा ब्लॉकेज हो पारे कि जो ओवरी अच्छी ओवरी भितर किसी सिस्ट हो पारे कि ओवरी भितर किसी एग रो प्रॉब्लम हो पारे कि एग रेगुलरली फॉर्म होनी साइकल्स इरेग्युलर अच्छे से कि से प्रेग्नेंट हो पार ना आउ कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज गोटे अच्छे जोटा बहुत कॉमन एवं हो जो भितर बहुत सारा एग्स होने साइज रे बढ़ू ना आउ तापर मेल्स रे भी बहुत सारा प्रॉब्लम अच्छे जो थी कि से प्रेग्नेंट हो पार ना एक्जेक्टली मैडम से प्रश्न पचारत कहली कि 10% केसेस रे हमको किछि रीजन भी जाना पड़ेनी मैडम नियंती जानबा को चाहे से प्रश्न मध्ये पचारत थांती जे प्रकृत रे अनेकों को मध्ये या मध्ये कन्फ्यूजन रहिछि विशेष कर जेते बेले जने गर्भधारण करि पौनांती समस्त विशेष कर महिला मानन करे कोनोसी प्रॉब्लम थाय बोली चिंता करथांती प्रकृत रे बंध्या दोष बा इनफर्टिलिटी केवल महिला को क्षेत्र रे देखबा को मिले ना उभय महिला एवं पुरुषों को क्षेत्र रे समान स्थिति देखबा को मिले थाय हाँ
हाँ तो जेमती मु कहली कि प्रेगनेंसी न होबार रीजन जेते कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल अछंती सेते ही मेल भी रिस्पॉन्सिबल अछंती। जदी 40% केसेस रे फीमेल रे प्रॉब्लम थाए तो 40% जो जदी 100 फीमेल्स अछंती जो माने प्रेग्नेंट हेई परु नांती तो 40% केसेस रे फीमेल्स रे प्रॉब्लम थाए और 40% केसेस रे पुरुष रे प्रॉब्लम थाए। ओके मैडम मध्य आउ गोटे कथा मध्य जानबा को चाहे आउ बहुत रे एमती भी हुए कि बोथ मेल एंड फीमेल रे ओके मैडम ए मध्य जानबा को चाहेबो जे प्रकृत रे जो आजिकालि रो जीवनशैली सहित माने ए सब रो कोन सब लिंक रहै छै हम देखथुबे जे सेते बेले खाइ बारे साधारणत संतुलन रक्षा करथले समस्त एबे किंतु बेसी फास्ट फूड कथा कोन्तु जंक फूड कथा कोन्तु ऑयली खाद्य बेसी समस्त प्रेफर करछंती ए सब जने महिला को क्षेत्र रे केते प्रभाव पकाइ थाय हाँ आपण ये कथाटा बिल्कुल बहुत भल क्वेश्चन अच्छी एटा दिस इज वेरी रेलेवेंट एटा बहुत एबे आम टाइम रे बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन टा अच्छी एबे आमर लाइफस्टाइल एते चेंज हो जाइछि आमे खाइबा पीबा आमर बहुत चेंज हो जाइछि बाहर खाइबा फास्ट फूड ऑयली फूड फ्राइड फूड बिस्किट्स हला केक्स हला तापर ब्रेड जेमती पदार्थ हला एगुड़ा बेसी खाऊ आमे आउ तापर आमर जो वर्किंग लाइफस्टाइल अछि बहुत काम अछि जोटा आमे बसिकी ही करूछु पूरा दिन सारा आमे बसिकी ही ऑफिस रे काम जे माने करूछंती तांकर बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल जोटा को कुहंती सेटा हेइ जाइछि। ए सब जिंस पई बहुत सारा हार्मोनल प्रॉब्लम हुए आउ एटा जोटा पीसीओडी डिजीज जोटा अछि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम गोटे अछि जोटा एबे बहुत कॉमन बहुत सारा फीमेल्स रे अराउंड 20-30% फीमेल्स रे जो माने प्रेग्नेंट हो पारु नांती ए डिजीजटा आमे देखुचु तो एटार मेन कारण हला आमर लाइफस्टाइल ए लाइफस्टाइल जोगु वेट गेन भी होउचि बहुत बेसी वेट भी बढ़ी जाउचि से वेट गेन पई भी प्रेग्नेंसी हबा को बहुत प्रॉब्लम होउचि प्लस ये जो पीसीओडीटा अछि आउ डायबिटीज अछि एगुडा एई सब जोगु भी प्रेग्नेंसी हबारे बहुत असुविधा हुए। ओके मैडम एक कथा आम जानते जब थायरॉइड थाए तेज विशेषकर प्रेगनेंसी टाइम रे बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता है विशेषकर ये गोटे बड़ फैक्टर हो पाए बंध्या दोष तेज डायबिटीज जमी आप कहते जमी आम थायरॉइड कथा जानते डायबिटीज सेमती किसी प्रभाव पकाई थाए कि बंध्या दोष गोटे बड़ कारण हो पाए कि हाँ थायरॉइड रे भी प्रेगनेंसी जदि थायरॉइड कहाँ को फीमेल्स को थायरॉइड अच्छी तो प्रेगनेंसी हबारे भी प्रॉब्लम हबो से कंसीव करी परिबेनी तो से कि जो भी फीमेल्स आम पाखरे आसुचंती प्रेगनेंसी ट्राई करुचंती आउ प्रेगनेंसी होउनी तो आमे सबु फीमेल्स को ए सबु रूटीन टेस्ट एडवाइस करू जो भितरे थायरॉइड भी गोटे इंपोर्टेंट टेस्ट अछि जदि तांकर थायरॉइड बेसी बढ़ी कि बाहरुचि तो आमे तांकु ट्रीटमेंट स्टार्ट करुचु जेबे तांकर नॉर्मलाइज हे जिवो थायरॉइड फंक्शन टा तो तांकु प्रेगनेंसी आपे आपे हे जिवो काहेकि थायरॉइड कौन करुची थायरॉइड हार्मोन जदि बढ़ी जिवो प्रेगनेंसी रे तो सेटा एग्स फॉर्म कर बॉडी रे जो एग्स फॉर्म हबो से एग्स ही फॉर्म हबोनी भलो किना आउ साइकल्स भी तांकर इरेगुलर हे जिवो जो पीरियड्स आसिबो पीरियड्स टाइम रे आसिबोनी तो सेते पई कि थायरॉइड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपोर्टेंट सेटा आगरु स्टार्ट हबो कथा आउ बहुत थरे एमती भी हुए कि प्रेग्नेंट हवा परे महिला आम पाखे जब आसती तेब आम थायरॉइड टेस्ट करूँ तो तेबे भी थायरॉइड प्रॉब्लम्स बाहर तो सही टाइम रे भी बहुत इंपोर्टेंट अच्छी कि थायरॉइड मेडिसिन स्टार्ट हबो कथा कहीं जदि थायरॉइड बढ़िकी थी तो छुआ भितर भी प्रॉब्लम हो पार ब्रेन डेवलपमेंट भी भल किना हो पारे। ओके मैडम तबे आउ गोटे कथा मध्ये जानिबाको चाहिबु बिवाहर निर्दिष्ट एज ग्रुप केते रहिबा दरकार केउ पैसरे जणे बिवाह करिबा दरकार एवं केते बिवाहर केते गैप रे जणे बेबी प्लान करिबा दरकार एवं जदि एतरे विलंब हेउछि कोन सब समस्या उपजि पारे हाँ तो एटा एबे आमे देखुचु कि जो सबू फीमेल्स अछंती लेडीज अछंती सेमानकर काई कि एवरीबॉडी इज वर्किंग सबु वर्किंग लेडीज अछंती तो बाहागर टिके लेट होची आगे जेमती 16 वर्ष 18 वर्ष रे बाहे जाउथिले एबे सबु बाहा होचंती 30 वर्ष परे तो 30 वर्ष परे कोन होची 35 एज जोटा अछि 35 हला हमरो इंपोर्टेंट एज 35 परे प्रेगनेंसी रो चांस बहुत कम हे जाय तो सेति पई कि आमे कहू कि बाहा हबार एजटा एबे एटलिस्ट आपण 25 भितर बाहर हो जा कथा कहीं विथ लाइफस्टाइल अल्सो बहुत सारा एमती भी देखा जाऊँ कि यंग एज रे भी आमर ओवरीज काम करूनी इवेन 30 इयर्स एज रे भी आम देखुचु कि ओवरी रो फंक्शन सरी जाऊँ टाइम आगुरु आगे जो जिनसा 40 इयर्स होता एबे सेटा 30 इयर्स हो जाऊँ
तो सेथिपई कि इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि टाइम 35 इयर्स आगरु ही आमे प्रेगनेंसी प्लान करिबा स्टार्ट कर दो आउ प्रेगनेंसी जदि 35 इयर्स परे आमे बाहा होचू तो जल्दी टिके इवैल्यूएशन 6 मास भितरे जदि प्रेग्नेंट न हेई परुचू तो 6 मास भितरे सब डॉक्टर पाखरे जिबू आउ आमे सब टेस्ट करया कथा बेसी लेट करया कथा नै आफ्टर 35 इयर्स प्रेगनेंसी रो चांसेस टिके कम हे जाय तो सेथिपई कि जते जल्दी टू जल्दी इवैल्यूएशन हबो सेते भलो ओके मैडम जड़े बंध्यादोष जनकर रही से केमती जानव साधारणत तो आम जमी देखी जो विभिन्न रोग से आमर सिम्टम्स देखा देते ताकि आम जानवे सहज हुए जे जड़े मानने से रोग द्वारा संक्रमित हो बंध्यादोषर सेमती किसी सिम्टम्स थाए जड़े जेनराली केमती जानव जो बंध्यादोष होगा जाऊँ से बंध्यादोष शिकार होगा जा हाँ गोटे तो हैला बहुत थर एमती अच्छे कि केबे भी सिम्टम्स किसी भी नथिबो जणा भी पड़बनी कि प्रेगनेंसी रो किसी प्रॉब्लम अच्छे कि प्रेगनेंसी हेई परिबनी तो सेही केस रे आमे कहू कि जदि आपण 1 इयर जाय ट्राई करूचंती हस्बैंड और वाइफ रेगुलरली प्रेगनेंसी पे ट्राई करूचंती आउ तेबे भी जदि प्रेगनेंसी हेइनी तो 1 इयर परे आपण डेफिनेटली डॉक्टर पाखरे जिबे देखा करिया पई और सब टेस्ट करिया पई बहुत सारा कंडीशन अच्छे जो जिनस केबे केबे जना पड़ी जाए कि ए जिनस प्रेगनेंसी हो जमती कि जहाँ साइकल्स इरेगुलर अच्छी टाइम रे पीरियड आसुनी दि तीन मास गैप करी कि पीरियड आसुची सबू पेशेंट को आमे इमीडिएटली कहू कि आपण आसिकी टेस्ट करातु कहीं पीसीओडी प्रॉब्लमटा हो पाए जो प्रेगनेंसी हेनी कहीं एग्स फॉर्मेशन करने को दौनी तापर आउ भी जिनस अच्छी जदि आप बहुत बेस मोटा हो जाती वेट गेन करुंट कि आपणकर पीरियड्स इरेगुलर हो जाए कि जल्दी जल्दी आसूची कि बहुत लेट आसूची पीरियड कि आपण को पेटर बहुत पेन हो पीरियड्स टाइम रे तो पेटर पेन हो पीरियड्स टाइम रे तार गोटे कॉमन रीजन है एंडोमेट्रियोसिस जोटा कि आम चॉकलेट सिस्ट कहू जो ए चॉकलेट सिस्ट कौन हुए से ओवरी भितर से सिस्टा हो जाए ब्लड सिस्टा हो जाए जोटा कि चॉकलेट सिस्ट कहू से भी प्रेगनेंसी हो पारे कहीं चॉकलेट सिस्ट पाई एग्स फॉर्म हुए नहीं आउ भी ट्यूबल ब्लॉकेज भी हो जाए अच्छा। तो जदि पेशेंट को केबे इन्फेक्शन होगी आगे आसी कहते कि तल पटु वजाइना रे बहुत आगे इन्फेक्शन थिला ये सब केसेस जदि अच्छी ये सब सिम्टम्स रे आमको जना पड़े कि पेशेंट को प्रेग्नेंट हेबारे प्रॉब्लम हो पारे आउ जदि तार एज 35 ऊपर अच्छे जमी कहली आ 6 मंथ्स रे ट्राई करुँचे प्रेगनेंसी होनी तो से सिचुएशन रे भी से आम पाखक आसबे आउ सब टेस्ट करेंगे ओके मैडम जमी आप कहते पीरियड्स जो कि प्रॉब्लम हो तेज प्रकृत में एमती भी देखा मिले जो मर पीरियड्स इरेगुलर हुए से जल्दी छुआ कनसीव करती बेबी कनसीव करती तेज प्रकृत में ये गोटे के बड़ फैक्टर हो पाए जो पीरियड्स जो आप इरेगुलर हो तेरे क्यों समय साधारण देखी था आम अनेक लाज करती लुचाती मेडिका डक्टर परामर्श नि प्रकृत ये के बड़ फैक्टर हो पाए विशेषकर जदि आप गर्भधारण कथा देखिए हाँ तो जो मानकर पीरियड्स रेगुलर अच्छी दैट मीन्स कि से मानकर एवरी मंथ एग फॉर्म होची रेगुलरली तो ए माने आराम से प्रेग्नेंट हो जिबे किंतु जो मानकर पीरियड इरेगुलर अच्छी कि से मानकर पीरियड टाइम रे आसुनी डेढ़ मास रे थोरे आसुची कि दि मास रे थोरे आसुची कि मेडिसिन न नेले पीरियड आसु ही नहीं ए मानकर हैला कि जदि पीरियड एमती आसुनी दैट मीन्स कि तांकर किछि प्रॉब्लम अछि कि एग ही फॉर्म होउनी एग ही होउनी ओवरी रे एगटा जो गोटे साइज बढ़िया कथा से साइजटा बढ़ूनी तो यहाँ गोटे सब बहुत बड़ प्रॉब्लम अच्छी अराउंड जोटा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज रे कि बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस रे जमती कि थायरॉइड डिजीज है ये सब जिनस कि बेसी वेट गेन कर सब डिजीज रे कौन हुए एग ही फॉर्म हुए नहीं और पीरियड्स भी आपन को इरेगुलर हो जाए कि सेटा दी तीन मास रे आसुची बहुत थर एमती भी हुए कि 15-15 दिन रे पीरियड आसुची कि हस्बैंड संगे रिलेशन रखी तापर पीरियड आसुची तो ये सब जिनस कौन हुए से यूट्रस भितर गोटे मांस थाए से केबे केबे बढ़ी जाए तो आमको से बाहर करिया को पड़े कहीं से भी प्रेगनेंसी हो न पारे से मांसटा जब बढ़ी जाए तो सेटा भी प्रेगनेंसी हवा को दबनी तो सब दीटा को जिनस खराब पीरियड जदि जल्दी जल्दी आसुची से प्रॉब्लम और पीरियड जदि लेट लेट आसुची
डिले होइके आसुचि सेटा भी प्रॉब्लम। सो ए दुईटा जको जिंस हेले आपण डेफिनेटली आसीबे डॉक्टर पाखकु आ ट्रीटमेंट करेबे। नियंति भाबरे बेस गुरुत्वपूर्ण कथा समस्तक मध्ये जानिबार आवश्यकता रहिछि, काहेकि ना आमे देखंती जे अधिकांशक थारे ए पीरियड्स प्रॉब्लम गोटे बड़ समस्या थाए एवं को ये नियंति प्रेगनेंसी समय रे को नियंति असुविधा सृष्टि करिबो। तबे मैडम आपण आम सहित अच्छा और अनेक गुड़े प्रश्न रही है चिकित्सा पद्धति कौन आम जाना कि समय एक छोट ब्रेक ब्रेक नहीं जाऊँ ब्रेक पर फेर पाइब मैडम सहित आलोचना कर। ब्रेक पर स्वागत। तेज आम लगातार आलोचना करुँचे बंध्या दोष कौन और कारण और निराकरण कौन निहांती आम सहित मैडम गुप्ता अच्छा निहांती मैडम आपण पाखु फेरबी। मैडम अनेक गुड़े प्रश्न रही है निहांती आम दर्शक जानवाक चाहूबे जे प्रकृत में जितेबाला बंध्या दोष कथ आम आलोचना करवाक चाहिए बंध्या दोष प्रकृत में चिकित्सा पद्धति सब कौन रही कहीं ये जानवर निहांती आवश्यक रही है जड़े जितने जानव सी निहांती डाक्तर परामर्श ने ये गोटे बड़ समस्या बर्तमान जेनेसन में। तो तार ट्रीटमेंट तार ट्रीटमेंट डिपेंड कर कि तार कौन कारण कौन अच्छी। तो जो भी एमती पेशेंट्स आसुचंती आम पाखे जो मैंने ट्राए करुचंती आ प्रेग्नेंट हो पार ना वन इयर जाए ट्राए करुचंती रेगुलरली कि 35 इयर्स एज बेसी अच्छी आ 6 मंथ्स जाए रेगुलरली ट्राए करुचंती प्रेग्नेंट हो पार ना तो आम से बहुत सारा आगे प्रॉपर आम हिस्ट्री पचारू कि कौन कौन असुविधा अच्छी पीरियड्स केमती अच्छी आउ कि रोग अच्छी कि ना थायरॉइड है डायबिटीज है आगे केबे किसी सर्जरी होती यूट्रस किसी सर्जरी ऑपरेशन होती कि केबे किसी इन्फेक्शन अच्छी कि हस्बैंड सांगरे किसी प्रॉब्लम रिलेशन रखियारे किसी प्रॉब्लम अच्छी कि हस्बैंड रो किसी रोग अच्छी जो थी कि आम सस्पेक्ट करूँ कि हस्बैंड फैक्टर हो पारे ये सब प्रॉपर हिस्ट्री नबा परे आम सब टेस्ट करूँ कि कारण जानवापी कि कौन पर प्रेगनेंसी हो तो आम बहुत सारा ब्लड टेस्ट भी करूँ हार्मोनल टेस्ट करूँ देखापी कि ओवरी फंक्शन भल कि अच्छी नाईर आम हस्बैंड रोटे टेस्ट करूँ कहीं बहुत थर एमती हुए कि बोथ फीमेल आउ मेल फैक्टर कि फीमेल रे भी प्रॉब्लम अच्छी आउ पुरुष रे मेल रे भी प्रॉब्लम अच्छी कि सीमेन रे भी प्रॉब्लम थी आउ फीमेल रे भी किसी प्रॉब्लम थी कि ट्यूब ब्लॉकेज थी कि सिस्ट थी ओवरी रे तापर आम गोटे अल्ट्रासाउंड करूँ देखापी कि ओवरी रे सिस्ट तो अच्छी किसी सिस्ट अच्छी आउ यूट्रस शेप केमती अच्छी यूट्रस भितर किसी प्रॉब्लम अच्छी ये सब टेस्ट करापर आमको जब कारण जना पड़े कि जदि ट्यूबल ब्लॉकेज अच्छी कि किसी सिस्ट अच्छी तो तार सर्जरी हो पार लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आजिकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सब ट्रीटमेंट हो पार मैक्सिमम ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी जदि एमती किसी प्रॉब्लम अच्छी तो सब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो पार जोटा कि डे केयर सर्जरी अच्छी बेसी पेटर कट्स लगभन आउ पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हे हॉस्पिटल रे पेन भी कम हम प्लस ट्रीटमेंट भी हो तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा आम सिस्ट गुड़ा बाहर करदे कि यूट्रस भितर जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी यूट्रस भितर किसी मांस बढ़ी जाए यूट्रस भितर किसी सेप्टम अच्छी एगुड़ा आम सब सर्जरी रू बाहर करदे आउतापर जदि ट्यूब्स केवे ट्यूब ब्लॉकेज हो जाए तो से ट्यूब्स गुड़ा भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी रू खोली हो पार ये सब जदि ट्रीटमेंट होपर आम मेडिसिंस दो मेडिसिंस एक मैडम आ गोटे कथा हूँ सब गुरुत्वपूर्ण कथा जी आप देखिए जे जो मैंने विशेषकर न्यूली मैरिड समस्ते चाहती जे आम गोटे बहार दुई वर्ष कि तीन वर्ष गैप्रे आम बेबी प्लां करूँ और से मैंने जो जो छुआ कनसीव कर जाऊँच तेज से गर्भ निरोधक बटिका सेवन करें इलिगाली देखते तेज प्रकृत में गर्भ निरोधक बटिका गोटे बड़ फैक्टर हो पारे कि बंध्या दोष ना एमती नेसेसरी ना कि गर्भ निरोधक जो बटिका नौकरी से मानक इनफर्टिलिटी हो पारे किंतु आम जनरली एडवाइस करूँ जदि तर एज जदि तर एज हो गला 25 इयर्स उपरे प्लस से मैंने एबे बाहागर को 2 इयर्स हो गला आउ कि फैमिली रे प्रॉब्लम ना कि फाइनेंशियल इश्यूज ना छुआ करबा को फ्यूचर चाहूंट तो आम एडवाइस करूचु कि से प्रेगनेंसी टा कंटिन्यू करवाई आम प्रेगनेंसी न रहापी जो मेडिसिन दरकार सेगुड़ा आम जनरली मना करुचु एमती ना कि से मेडिसिन नेले
किसी प्रॉब्लम हबा परे किंतु बहुत रेयर सिचुएशन रे एमती हुए कि से मेडिसिन नेले भी जदि प्रेगनेंसी सफा न हो पारे तो किसी सर्जरी करके सफा करने को पड़े से सर्जरी रे 10% रिस्क थाए कि किसी इन्फेक्शन हो पारे से इन्फेक्शन जो आगे जाकि ट्यूबल ब्लॉकेज हो पारे कि यूट्रस भितर किसी प्रॉब्लम हो पारे तो सेटा हला जदि सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर दरकार पड़े तो तंकर टिके रिस्क थाए कि आगे जाकि प्रेगनेंसी रे प्रॉब्लम हो पारे अदरवाइज जदि मेडिसिन ही नियंती तो एमती किसी प्रॉब्लम हुए नहीं किंतु तेबे भी आमे जनरली पेशेंट्स को एडवाइस करू कि जदि बाहागर हे कि हे जाइछि वर्षे दि वर्षे आ तांको एज भी बढ़ी चलछि तो आउ जदि से छुआ करिया को चाहू चंदी फ्यूचर रे तो इट इज ऑलवेज बेटर कि से माने ए प्रेगनेंसी ता कंटिन्यू करंतु ओके मेडिसिन ता नियंतु नाही ओके मैडम आउ गोटे कथा होची आपण देखिथिबे जे पूर्वरो जदि आपण देखंती गोटे जे प्रकृत रे एटा मते आमे जानबा को चाहबो जे मैच्योरिटी रो परफेक्ट एज केते एज ग्रुप केते रहबा दरकार आमे आमे जदि एबे देखिबे खूब कम वयस रे पिला मैच्योरिटी पाउछंती तबे ये गोटे बडो कारण हे पारे कि आगो को जाई प्रेगनेंसी टाइम रे गोटे बडो प्रॉब्लम सृष्टि करिवो एवं बंध्या दोष रो ये गोटे कारण हे पारिबो जदि कम एज रो जने मैच्योरिटी पाउछंती आजि आजिकालि जेमिति आमे देखुचु कि पीरियड्स जेमिति जेबे पीरियड स्टार्ट होउछि आगे कोन होतला 14 इयर्स 13 इयर्स ए एज रे पीरियड स्टार्ट होतला एबे होचि कि 10 वर्ष एज रे ही पीरियड स्टार्ट हे जाउछि झियो मानकर तो सेति पई कि से जो रिप्रोडक्टिव एज विंडोटा कहुचु आमे सेटा शॉर्ट हे जाउछि कि आगे जेमिति 40-45 इयर्स परे ही तांकर एग्स गुडा बॉडी रे कम हे जाउथला कि तांकर प्रेगनेंसी करियर क्षमताटा कम हे जाउथला आफ्टर 45 इयर्स एज एबे आमे देखुचु कि सेई क्षमताटा एबे टिके आउ कम हे जाइछि कि 35 परे ही तांकर सेई क्षमताटा टिके कम हे जाउछि तो ए जो रिप्रोडक्टिव विंडो कि रिप्रोडक्टिव एज कहुचु आमे सेटा टिके स्टार्टिंग एजटा भी टिके जल्दी हो जाएगी आउ तार सरीवार एजटा भी टिके जल्दी हो जाएगी तो ये आमे विंडोटा आमे पेशेंट को एक्सप्लेन करूँ कि ए एज भितर प्रेगनेंसी हबा बहुत इम्पोर्टेंट कहीं 35 पर आपण चांस प्रेगनेंसी रो टिके कम हो जाए तो ए एज टा इम्पोर्टेंट अच्छे ओके मैडम शेष प्रश्न रहइबो जे जो मानकर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थिबो जो मानकर दीर्घ दिन से माने बेबी प्लान करथिबे जदि से मानकर पिला हेउ नथिबो तबे से मानक पई कोन परामर्श रहइबो केउ समय रे विशेष करी से माने डाक्टर को परामर्श नेबे तो गोटे जेमिति मु कहली कि आपणकर एज हला 35 रु कम आउ ट्राए करुछंती बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट 1 इयर रु ट्राए करुछंती आउ तांकर आउ किछि प्रॉब्लम नाही जेमिति तांकर साइकल्स रेगुलर अछि तांकु किछि सिस्ट रो प्रॉब्लम नाही हस्बैंड रो किछि प्रॉब्लम नाही से कंडीशन रे 1 इयर जाय आपण ट्राए करि परिबे ट्राए करियो परे जदि 1 इयर जाय भी प्रेगनेंसी होउनी तो आसी कि देखा करिबे आउ सब टेस्ट करा हबो जदि एज 35 रु बेसी अछि तो एते टाइम वेट करिबेनी 6 मंथ्स रे ही आसिकी देखेबे जदि 6 मंथ्स भितरे आपन को प्रेगनेंसी होउनी जदि आउ किछि प्रॉब्लम अछि तो इमीडिएटली आसिबे जेमते कि आपन कर पीरियड रेगुलर नाही पीरियड डिले हे कि आसुचि कि पीरियड जल्दी हे कि आसुचि कि पीरियड टाइम रे पेट बहुत काटुचि कि हस्बैंड रो किछि फैक्टर अछि जेमते कि हस्बैंड रो केबे किछि सर्जरी हेछि कि किछि इन्फेक्शन हेछि एहि सब जिनस रे जेमते जते जल्दी जल्दी हबो सेते जल्दी आसिले भलो तांकर ट्रीटमेंट हे परिबो ओके आउ गोटे जिनस हला कि जेबे भी प्रेगनेंसी ट्राए करुचंती तो आमे सदाले सब कहू कि किछि लाइफस्टाइल अछि सेटा टिके ठीक करिवे बेसी वेट गेन जे कर दउचंती तांकु आमे वेट लॉस पई कहूचु गोटे फॉलिक एसिड करिके मेडिसिन अछि सेटा जो भी प्रेग्नेंट फीमेल प्रेगनेंसी पई ट्राए करुचि एटलीस्ट 1 मंथ आगरु स्टार्ट करिवे फॉलिक एसिडटा आउ सेटा कंटिन्यू करिवे प्रेगनेंसी परे काहेकि सेटा बेबी रो ब्रेन डेवलपमेंट पई बहुत इंपोर्टेंट आउ आउ गोटे हला हेल्दी डायट नेबे डायट हेल्दी हबा कथा ए सब जिंस प्रेगनेंसी हबारे बहुत हेल्प करे ओके बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपण आसिले एवं कन्यांती आम जो दर्शक देखुथिबे तांकु अन्यांती गोटे सल्यूशन मध्ये मिलेथिबो आशा करूछि एवं ए कथा को मध्ये से माने अनुपालन करिवे बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपण आसिले एवं आम सहित आलोचना रे शामिल हेबे तेबे दर्शक बंधु आशा करूछि आपण को न्यांती जदि आपण मन रे किछ प्रश्न थिबो तार उत्तर मध्ये आपण पाइसारथिबे आज आम जेमती आलोचना करथिले जेमती बंध्या दोष रु केमती मुक्ति मिलिबो एवं यार समाधान कोन से संपर्क रे आम दर्शक को परामर्श मध्ये देउथिले तेबे समय तो सरी आसलानी कार्यक्रम को एटी सारिबा को पड़िबो तेबे पुणी देखा हबो आगामी एपिसोड पुणी जड़े अभिज्ञ डाक्टर से पर्यटन मत विदा दिंतु रोची नमस्कार।